जिनका जश्न मना रहे हो उनके दुश्मन का सदर खुल गया मुकाबले में, तो तलवार के नीचे आया हुआ, ज़र्बे हैदरी के नीचे आया हुआ छोड़ दिया। ये शर्म की बात है, चलो अपना आप संभालो, कोई छोड़ता है? छोड़, ये भी मुकालिया करो कि अली क्या है। सिर्फ दुश्मन को मार के उसके सीने पे चढ़ जाना, ये तारीफ नहीं उनकी। मरहब की तरफ जाते हुए भी रसूल पाक ने फरमाया कि सिर्फ मारने नहीं भेज रहा तुम्हें कि तुम बहुत तकड़े हो तो जाओ मारो उसको, नहीं, तुम नफ्से रसूल हो, तुम नबी रसूल नहीं हो, क्योंकि वो मैं खातम नबीयीन हूं, नबुवत खत्म है मुझ पे, लेकिन बात नबी रसूल कहलाने के तुम अखी हो मेरे, और पहले जो अखी था मूसा का, वजीर था मूसा अलैहि सलाम का, उनकी पुश्त मजबूत करने वाला, उनका शरीक अमर, तुम पर नफ्से नबी रसूल नहीं बोले जाएगा। क्यों? कि मैं खातम नबीयीन, लेकिन शरीके अमर तो हो मेरे, शरीके अमर हो। गौर करो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, नबी नहीं हो, रसूल नहीं हो कि मैं खातम नबीयीन हूं, बाकी ममंदला हारून हो, जैसे वो थे ऐसे हो, वो भी शरीके अमर थे, तुम भी शरीके अमर हो, और मरहब ने मुझे पुकारा, तुम्हें तो नहीं पुकारा। मरहब ने एक मर्तबा भी ये नहीं कहा कि अली तुम निकलो। अब अल्लाह का क्या हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है तुम ना निकलो, क्योंकि तुम मारने निकलोगे तो बचेगा ही कोई नहीं। तुमने मारना, तुम्हें नहीं निकलना हबीब, और किसी को भी नहीं निकालना। वफादार है, जानिसार है, उनके इखलास में कोई शक नहीं, हमें कोई शक नहीं, लेकिन दोस्तों भेजो उसको कि मरहब भी समझे, मरहब भी जिसने तेरा नाम लिया वो भी जान ले कि मैंने मोहम्मद को पुकारा तो मोहम्मद ही आया।